नमस्कार, मैं हूं साकिब खान और आप देख रहे हैं अपना सुल्तानपुर। सुल्तानपुर के प्रयागीपुर में स्थित भाजपा कार्यालय पर केंद्र और प्रदेश के कामों को लेकर भाजपा का ऑनलाइन ई चिंतन बैठक। सरकार ने गांवों व गरीबों का जो तरफा विकास किया है, उन्होंने मुखर वक्ता के रूप में जिला ई चिंतन बैठक में जिला पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्ष व मंडल प्रभारियों को संबोधित करते हुए यह बातें कही। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर आर ए वर्मा की अध्यक्षता एवं प्रदेश मंत्री शंकर गिरी की उपस्थिति में आयोजित वर्चुअल चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सबका साथ सबका विकास का मूलतंत्र को केंद्र में रखकर समाज के हर तबके के लिए विकास का काम किया। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने गरीबों को आवास, शौचालय, गैस कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन, 5 लाख तक इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि देने के साथ साथ 80 करोड़ पात्र लोगों को नवंबर तक निशुल्क राशन मुहैया कराएगी। सरकार ने 157 नए मेडिकल कॉलेज, 16 एम्स बनाने का काम भी किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री व एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के 7 वर्ष का कार्यकाल देश के लिए गौरवशाली रहा है एवं ऐतिहासिक निर्णयों से भरा हुआ है। आज विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण हो रहा है। केंद्र में मोदी सरकार गाँव, गरीब, किसान के लिए समर्पित सरकार है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर वर्मा, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश पांडे, वरुण शंकर त्रिवेदी, डॉक्टर सीता शरण त्रिपाठी, गिरीश नारायण सिंह, उषा सिंह, भावना सिंह, प्रवीण कुमार अग्रवाल, प्रीति प्रकाश, विजय सिंह, रघुवंशी व अन्य मौजूद रहे। सुल्तानपुर के बंधुआकला पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाया गया अभियान। शराब कारोबारियों में मचा हड़कंप। दरअसल सुल्तानपुर के बंधुआकला पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब के कारोबारियों के खिलाफ चलाया गया अभियान। इस अभियान के दौरान बंधुआकला पुलिस ने दौलतपुर, हरगीपुर, साहबागंज समेत हर इलाके में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरी टीम मौजूद थी। सुल्तानपुर में मानसिक विक्षिप्त युवक की पिटाई से हुई मौत, दर्ज हुआ केस, पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। दरअसल पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि वाली नगर क्षेत्र के रहने वाले मानसिक विक्षिप्त कुरसीद को 22 जून की रात किसी ने पीट दिया। कुरसीद को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुरसीद ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामले में मृतक कुरसीद के भाई के तहरीर के आधार पर धारा 304 के तहत हिमांशु पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने कार्रवाई की।